सुल्ताना, तुम पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी की बेटी के लिए इतनी परेशान हो रही हो और तुमने उसे गाड़ी दे रखी है? भाभीजान, वो नौकरानी की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। आपका ऐसे कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं शादी से पहले ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस सब का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ शादी के बाद होना चाहिए। एक मर्द पर और उसकी मोहब्बत पर सिर्फ उसकी बीवी का हक होना चाहिए। लगता है हमारी बातों को दिल पर ले लिया है तुमने। जी मामी जान, कुछ देर के लिए महसूस हुआ था, फिर दिल को समझा लिया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी हजम नहीं होती, फिर ठीक हो गई थी। कि क्या बदतमीजी है। सॉरी, आपको लगी तो नहीं, आप ठीक हैं? आई एम सॉरी, तोड़ दिया, लगता है फ्रैक्चर हो गया। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब पीछे आ गई, मैं रिवर्स कर रहा था। आप चले, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखें, आप काफी पेन में हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता, वरना मुझे गिल्ट रहेगा। प्लीज आप चले, मैं ले जाता हूँ आपको। प्लीज प्लीज आप आराम से, आपका पर्स। दर्द हो रहा है मुझे, इसे भी आज ही होना था, अब कल शादी पर कैसे जाऊंगी मैं? ये पेन किलर का इंजेक्शन है, मैं आपको लगा देती हूँ, इससे आपको आराम आ जाएगा। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी मैं, मुझे डर लगता है मैं घर जाऊंगी, मुझे ये सब देख के भी डर लगता है। पेन किलर है, लगा लें, इट्स बेटर फॉर यू। मुझे नहीं लगवाना, मैंने कभी भी नहीं लगवाया, मुझे डर लगता है इसकी सुई देखकर भी। आप प्लीज इधर देखें, आपको वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरी तरफ देखें। नहीं नहीं नहीं, मैं वापस घर जाऊंगी, इधर देखें, मेरी तरफ नहीं लगवाना ये सब। आप मुझसे बात करें। आप मुझे ये बताएं कि मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा था, आप पता नहीं अचानक से मेरे सामने कैसे आ गईं? मैं आई थी आपकी गाड़ी के सामने, आपने किया ये सब मेरे साथ, कहां से चला आपने गाड़ी? बिल्कुल पता नहीं चला आप कब सामने आई, ऐसे ही जैसे आपको इस इंजेक्शन का पता नहीं चला, लग गया। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? काफी बेहतर है। वैसे यहाँ करीब एक आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम खा लेंगे तो और अच्छा फील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं थैंक यू, आप मुझे बस घर ड्रॉप कर दें जल्दी से, मम्मा को पता चल गया ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझसे खफा हो जाएंगी, आजकल तो वैसे ही मेरे साथ बहुत हादसा हो रहे हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बस मुझे जल्दी से घर ड्रॉप करते हैं, आगे से राइट होना है। ओके। ये मेरा कार्ड है, अपनी खैरियत के बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा। आई एम फाइन,
मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत होती नहीं, बन जाती है। क्या मतलब? मतलब ये, क्या केयर फॉर यू, काफी पेन में है ना आप, एंड आफ्टर ऑल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो आपकी खैरियत मालूम करना मेरा फर्ज बनता है। फाइन। डू इन्फॉर्म मी, मैं इंतजार करूंगा। मुझे ये बताएं कि मैं तो अपनी गाड़ी में जा रहा था, बिल्कुल पता नहीं चला आप कब सामने आई, ऐसे ही जैसे आपको इस इंजेक्शन का पता नहीं चला। लग गया, ये मेरा कार्ड है, अपनी खैरियत के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, काफी पेन में ना, एंड आफ्टर ऑल ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो आपकी खैरियत मालूम करना मेरा फर्ज बनता है। मैं इंतजार करूंगा। मैसेज कर दूं या नहीं? नहीं, आज नहीं, बहुत अजीब लगेगा। भाई साहब, किसके हाल है तुम्हें? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही। अच्छा, तो खैर ये बताओ, नई ब्रांच का रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रहा। आपको पता है, हमारा मैनेजर बता रहा था कि नेक्स्ट वीक तक के लिए सारी टेबल्स रिजर्व्ड। अरे जबरदस्त यार, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। लेकिन ये मुबारकबाद आप अपनी बीवी को भी दें, क्योंकि उनके बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। वैसे यू नो भाई, इतने सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एक और नई ब्रांच का आगाज बहुत जल्दी होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा तौकीर, वो आपकी इवेंट प्लानर से बात हो गई? बेगम साहब आप फिक्र ना करें, मैं बात कर चुका हूँ, एंड आई विल हैंडल एवरीथिंग। अच्छा, वो फरीन बाजी के बेटे की मेहंदी है कल, आप दोनों प्लीज जल्दी आ जाइएगा। अब दोनों ने चलना है लाजमी मेरे साथ, और हर बार आप दोनों का इतना पूछती है, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। आपको छोटा मोटा फंक्शन तो है नहीं कि घर की शादी है, तो नो बहाना। ओके ठीक है, चलेंगे जैसे आपका हुक्म। आपी, आपको तो तैयार होना भी नहीं आता, और ये ड्रेस मेहंदी के हिसाब से सूटेबल है भला? लिपस्टिक तो डार्क कर लें, कुछ जरा फैशन सेंस नहीं है, लिपस्टिक डार्क करें। नहीं, मुझे नहीं डार्क करनी, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आपी प्लीज ना, थोड़ी सी लिपस्टिक डार्क कर लें, मुझे तो कभी कभी लगता है आप में कोई बुढ़ी रूह घुस गई है। मेहंदी पर जा रहे हैं हम। मैंने कहा ना मैं ऐसी ठीक हूँ, अब चलो, हमें देर हो रही है। मुझे तो देखें, लग रही हो ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। तुम हो ही सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे प्यारी। अब चले, लेट हो जाएंगे, मैं भी करूँगा।
आइए, मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। ये है आलिया, मेरी कदाउन है, फेवरेट कजन है मेरी। अच्छा, उम्र में तो बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन अकल में बहुत ज्यादा आगे हैं जी। और ये इनके हस्बैंड है तौकीर। और ये हैंडसम सा जो लड़का आपको नजर आ रहा है ना, ये है कबीर, आलिया का देवर। और आलिया ये है मिसेज सुल्ताना। और ये दोनों प्यारी प्यारी जो बच्चियां हैं ना, वो इनकी बेटियां हैं माशाल्लाह, नवाल और फलक। और नवाल जो है ना, मेरी बेटी अनाया की बचपन की दोस्त है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है हम शायद रेस्टोरेंट में मिले थे, राइट? हाँ, क्या हसीन इत्तेफाक है, किस्मत हमें बार बार मिला रही है, देख लें। ऐसे इत्तेफाक से मिलते मिलते हो सकता है किस्मत भी एक दूसरे से मिल जाए। कबीर की बातें भी ना। चोट ठीक हो गई आपकी? दर्द तो नहीं हो रहा? काफी बेहतर है, ठीक हूँ मैं। आपने मुझे अपनी खैरियत का मैसेज ही नहीं किया, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपकी वजह से कितना परेशान हूँ मैं। वो आपका कार्ड कहीं रख कर भूल गई थी, याद नहीं आ रहा। यू नो व्हाट, मुझे लगता था कि मैं इग्नोर करने वाली शख्सियत हूं नहीं, आपने तो दिल ही तोड़ दिया। पर मैं तो ऐसी ही हूं। आपका कसूर नहीं है, हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। एक बात तो बताएं, आप सब लोगों को ऐसे ही जज करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे हसीन इत्तेफाक पहले कभी नहीं हुए। तो फिर आप सब खूबसूरत लड़कियों की ऐसी तारीफ करते हैं? मैंने तो पहली बार ऐसी खूबसूरत लड़की देखी है जो मुझे इग्नोर कर रही है, तारीफ तो बनती है। तो फिर आप मुझ पर अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वक्त जाया हो रहा। तो फिर क्या लगता है आप? मुझे लगता है कि पहली बार किसी मन चाहे जगह पर वक्त स्पेंड हो रहा है। I feel happy with you. Do you? आज तो मैं बहुत हैरान हुई, कबीर एक दफा ये कहने नहीं आया कि बोर हो रहा है। वरना ऐसे फंक्शंस पर जाओ तो कबीर साहब का एक ही गिला रहता है कि भाभी मैं तो बोर हो रहा हूं। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और ये कि नजर भी नहीं आया मुझे। किधर थे भाई तुम? मैं वहीं था भाभी, अपनी सर्कल के बहुत सारे लोग आए हुए थे ना, तो उनसे गपशप में बिजी था।
वैसे मजा तो मुझे भी बहुत आया, मैंने आज बहुत ही इंजॉय किया। और पता है हमारा जाना अच्छा ही हुआ। अब देख लेना मेहंदी के फंक्शन में मैंने कबीर के लिए लड़की भी पसंद कर ली। क्या क्या कह रही हैं भाभी आप? भाभी प्लीज मेरी आजादी अभी मत छीने, आजाद रहने दे मुझे। अच्छा बेटा बहुत रह लिया आजाद, शादी का लड्डू हर किसी को एक ना एक दिन खाना ही पड़ता है, तैयार हो जा। अच्छा चलें बताएं कौन है वो? भाई अब तस्वीर तो मैंने ले ली है और तुम मिल भी चुके हो उससे। लेकिन तस्वीर दिखाएं तो सही, फिर पता चलेगा ना कि है कौन। ऐसे थोड़ी याद रहता है कि मैं किससे मिला था। लेकिन शादी तो तुमने करनी नहीं है ना, तो फिर तस्वीर दिखाने का क्या फायदा? भाभी अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने कि शादी नहीं करनी। क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे ना कि मेरी आजादी मुझसे मत छीने। एग्जैक्टली अरे वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। मैं एक्चुअली ना भाई की बात पे बिलीव करता हूँ कि ये वो लड्डू है जो हर किसी को खाना पड़ता है। शा भाई ओबिडिएंट माशा। कहाँ है? ये देखो भाई। भाभी आपको मेरे दिल की बात कैसे पता चली? तो फिर मान गए ना मेरी चॉइस को? मैं जानती थी नवाल तुम्हें बहुत पसंद आएगी। पता है नवाल मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इतनी सोपर सी है, इतनी समझदार है। इसके साथ नवाल जैसी लड़की ही सूट करेगी। भाभी एक मिनट, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे नवाल नहीं मुझे फलक पसंद है। क्या फलक? हाँ आर यू सीरियस? मुझे तो वो बड़ी बेवकूफ सी लगी। हाँ मतलब वो है खूबसूरत, पर खूबसूरती के सहारे सारी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती ना। जबकि फरहीन भी मुझसे तारीफ नवाल की ही कर रही थी, उसकी समझदारी की। भाभी वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इनोसेंट है, जिसे आप बेवकूफी कह रही है ना वो उसकी सादगी है, मासूमियत है, और मुझे तो वो बहुत पसंद है। पता है भाई पहली बार किसी लड़की को देखकर मुझे ये फील हुआ कि वो मेरे लिए बनी है। एक मिनट, देखो बात ये कि भाई साहब हो चुके हैं फिदा, लिहाजा जिंदगी इन्होंने गुजारनी है, तो लाइफ पार्टनर भी इनकी पसंद की होनी चाहिए, इसलिए इन्हें फोर्स ना किया जाए और फलक से इनकी शादी कराई। ओके बाबा ठीक है, कबीर की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर ठीक है हम प्रपोजल फलक के लिए लेके जाएंगे। अब खुश? बहुत खुश, ये हुई ना बात, इसीलिए मैं कहता हूँ यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड एज वेल। इन दिनों मैं अपने देवर के लिए लड़की देख रही हूँ, इसीलिए आई हूँ आपके पास। मैं कबीर के लिए फलक का हाथ मांगना चाहती हूँ। फलक साथिया साथिया। नवाल तुम्हें कुछ पता है हमारी कंपनी को कौन टेक ओवर कर रहा है? नहीं मुझे नहीं पता, वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो काम ही करना है। कोई न्यू कंपनी है और पाकिस्तान में पहली दफा लॉन्च कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्या बनेगा हमारा, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि 50% स्टाफ को फायर कर दिया जाएगा। देखो सारा सीधी सी बात है, जो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनको डरना नहीं चाहिए,
जो भी नई कंपनी आएगी वो अनएम्प्लॉयज को क्यों फायर करेगी जो उनके काम के होंगे। तो तुम अपना काम सही से देखो, इधर उधर की गॉसिप्स में मत पड़ो, वरना तुम्हारी जॉब पे कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, या नहीं तो कहीं और जॉब कर लूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहाँ अल्लाह ने आपका रिज़्क लिखा हुआ होता है, वहाँ पूरी दुनिया क्यों ना जोर लगा ले, आपको मिलता ही रहता है। और जहाँ नहीं लिखा हुआ होता, वहाँ आपकी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता है और आपको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। एक्सक्यूज मी मैम, कल न्यू बॉस ज्वाइन कर रहे हैं, 2 बजे मीटिंग कॉल की है। ठीक है, ऐसा करो सारी फाइल्स अपडेटेड रखना, हमें कल के कल ही उन्हें देना होगा। और पिछले महीने में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं जिन भी क्लाइंट्स के साथ, वो सब एक फाइल में कंपाइल करके मुझे मेल कर दो। ओके मैम। अच्छा नवाल, मैं भी जाकर देखती हूँ कोई काम तो नहीं रह गया। आइए, तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू। आज हम आपके पास ना एक खास मकसद के लिए आए हैं। जी जी कहिए। शाहीन बेटे चाय लेकर आओ। ये नवाल और फलक नजर नहीं आ रहे? नवाल आती ही होगी, वैसे सब खैरियत तो है ना? आपने इतनी इमरजेंसी में कॉल की, क्या आप मिलना चाह रही हैं? मैं तो परेशान ही हो गई थी। जी जी सब खैरियत है अल्लाह का शुक्र। असल में मैं कल आपसे मिली तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिली। कल आप इनके देवर से तो मिली होंगी, कबीर से? जी एक्चुअली वो मुझे आपके दोनों बेटियां बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लगी। नवाल और फलक दोनों ही माशाल्लाह मुझे बहुत ही पसंद आई। बहुत शुक्रिया। इन दिनों मैं अपने देवर के लिए लड़की देख रही हूँ, इसीलिए आई हूँ आपके पास। मैं कबीर के लिए फलक का हाथ मांगना चाहती हूँ। फलक, कबीर से तो आप मिल ही चुकी हैं ना, देख चुकी हैं उसे, बहुत खुश रखेगा कबीर फलक को। जी बहुत खुशी हुई आप आई, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। दरअसल नवाल बड़ी हैं और फलक छोटी, अगर आप ये रिश्ता नवाल के लिए लेकर आई होती तो यकीनन मैं हाँ कर देती, लेकिन क्योंकि आप ये रिश्ता फलक के लिए लाई हैं तो मजबूरन मुझे इनकार करना पड़ेगा। मैं पहले बड़ी बेटी नवाल की शादी करूँगी और फिर बाद में फलक की। आजकल के ज़माने में वो भी आप जैसी पढ़ी लिखी खातून जब ऐसी बात करती है तो थोड़ी हैरत तो होती है। ये तो पहले ज़माने की बातें हैं ना, आजकल तो बड़ी के लिए छोटी को बिठा के नहीं रखा जाता, ये तो पुराने ज़माने में होता था। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी सोच होती है और मेरी सोच यही है कि मैं पहले बड़ी बेटी की शादी करूँगी और उसके बाद छोटी बेटी की। मैं फोर्स आपको बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूंगी कि एक बार नवाल और फलक से मशवरा करके फिर कोई फैसला कीजिएगा। आपका जो भी फैसला होगा आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वो इकरार में हो या इनकार में मुझे एतराज़ नहीं होगा। ठीक है आलिया, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं ज़रूर बात करूंगी। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी किसी भी बात से आप हर्ट नहीं हुई होंगी। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये तो हक है आपका, वो बेटियां हैं आपकी, जाहिर है
आपको जो बेहतर लगेगा उनके हक में आप वही फैसला करेंगी। मुझे आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती। अरे ऐसे कैसे, अभी तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, चाय आ रही है बस। नहीं नहीं, असल में हमारी न्यू ब्रांच की ओपनिंग हुई है, काम बहुत बढ़ गया है, तो मैं और कबीर हम दोनों वहीं बिजी होते हैं। आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा मुझे। जी बहुत बेहतर, चलें फरी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्योंकि आप ये रिश्ता फलक के लिए लाई हैं तो मजबूरन मुझे इनकार करना पड़ेगा। मैं नवाल की शादी पहले करूंगी और फलक के बाद। अमन इस रिश्ते के लिए क्यों इनकार कर दिया? इतने अच्छे लोग हैं, बड़े हैं और अमीर भी हैं, पता नहीं क्यों कर रही हैं वो। अम्मी फलक किधर है? वो अपने रूम में, सर में दर्द था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने शाहीन से कहा है कि कमरे में ही चाय दे दो उसे। आलिया आई थी। अच्छा क्या हुआ, खैरियत? वो क्यों आई थी? अपने देवर कबीर के लिए फलक का रिश्ता देखे। क्या अम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, और आपने इतना इंतजार किया मुझे इतनी खबर देने के लिए, इतना लेट बता रही है मुझे। क्या अच्छी खबर है? तुम्हारा प्रपोजल नहीं लाई, फलक का लाई है। तो क्या हुआ, फलक के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, ये अच्छी खबर है। इनकार कर दिया मैंने। ये आप क्या कह रही हैं भाभी, इनकार कर दिया? ऐसे कैसे इनकार कर दिया? बस उनका इरादा पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी का है। तो आलिया तुम्हें उन्हें कन्विंस करना चाहिए था ना। आपको क्या लगता है मैंने कन्विंस नहीं किया उन्हें? हद करते हैं आप भी, हम तीनों में पब्लिक डीलिंग्स में शायद मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। ऐसे भाभी कितनी अजीब सी बात है, बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तो क्या छोटी बेटी को सारी जिंदगी घर पर बिठा के रखेंगे? मैं तुम्हें हजार दफा बता चुकी हूँ नवान, तुम बड़ी हो और फलक छोटी, तुम्हारी शादी पहले होगी और फलक की बात में। अम्मी इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, इतने बड़े बिजनेस का मालिक है वो, गुड लुकिंग है, बज़ाहिर कोई ऐब भी नहीं है, तो और क्या चाहिए हमें? आजकल तो रिश्तों के लिए यही सब कुछ देखा जाता है, और फिर मेरी शादी पहले हो या फलक की, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे बताएं, आपने फलक से जिक्र किया, उससे पूछा इस बारे में? माँ मैं हूँ, मुझे फैसला करना है। फलक को क्या पता, वो तो बच्ची है, क्या सही है उसके हक में क्या गलत है। अम्मी इनकार करने से पहले एक बार उससे पूछ तो लेती। आपने बहुत गलत किया, आपको इनकार नहीं करना चाहिए था, प्रपोजल उसी के लिए आया है, फलक के लिए आया, उसको पता होना चाहिए। आपने इनकार करना ही था तो एक बार उसे जिक्र ही कर लेती। मुझे मत समझाओ, मैं सब समझती हूँ, तुम बड़ी हो, तुम्हारी शादी पहले होगी। बहुत ही ना कोई फजूल जवाब है इनकार करने का, एटलीस्ट टाइम ही मांग लेते सोचने के लिए। और आलिया तुम्हें भी प्रपोजल ले जाने से पहले ये वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि आया उनकी बड़ी बेटी इंगेज है या नहीं। मालूम था मुझे, मैं अपना होमवर्क करके गई थी। अम्मी जब मुझे कोई एतराज नहीं है, आप क्यों एतराज कर रही है? तुम्हें मैं कैसे समझाऊं नवाल, अगर बेटा मैंने फलक की शादी पहले कर दी और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो सब लोगों की जबान पर एक ही सवाल होगा, क्योंकि मैंने फलक की शादी पहले, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फॉर गॉड सेक अम्मी, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना, हमारे घर के लिए हमारे लिए क्या बेहतर है आपको वो करना है, फिर लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला किया। भाभी मेरे ख्याल में आपको एक बार फिर बात करनी चाहिए। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है, वो अपनी बात बड़ी क्लियरली बता चुके हैं हमें। पता नहीं भैया, अजीब बात है, दोनों का अपना अपना नसीब है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है ना।
हर एक की अपनी सोच होती है। खैर उनके इनकार के बावजूद मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे कि एक दफ़ा आपस में मशवरा कर ले, उसके बाद ही मुझे फ़ोन करें। चलो मर्जी उनकी, हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं, कोई और देख लेंगे। भाई क्या हो गया है आपको, ऐसे कैसे कोई और लड़की देख लेंगे। मैं फलक को पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ, कोई मजाक बात नहीं है। ऐसे ही मैं किसी लड़की को पसंद किए बगैर उसे शादी कर लूंगा। तो बेटा इसीलिए तो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बने होते हैं, ये नहीं बना हुआ था। जा बना होगा वहां मिल जाएगी। फैमिली वैसे मुझे उनकी पसंद है, सादा से लोग हैं, अपनी जगह पॉइंट भी उनका वैलिड ही है। मैं सोच रही थी कि अगर हम उनसे नवाल के लिए। एक मिनट बाकी, क्या हो गया आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लोग इस बात को इतना सीरियस ही नहीं ले रहे। कबीर हम कबीर कबीर यार इसे आपका क्या ख्याल है नवाल के बारे में। अरे बस कर दो ना यार, और तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने नवाल का नाम लेने की। अब हम किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, रिश्ता भेज सकते थे सो भेज दिया, उन्होंने आगे इनकार कर दिया, व्हाट कैन वी डू। वैसे मैं तो कह रहा हूं कि तुम अपने सोशल सर्कल में या खानदान में कोई अच्छी लड़की देख लो, इतनी अच्छी लड़की है। ठीक कह रहे हैं आप, है मेरी नजर में एक दो रिश्ते, और वैसे भी मेरे भाई में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देख लेना तुम, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी इसे। तो आखिर मैंने आज से पहले कबीर को इस तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। राइट। हेलो, हाय कबीर, फलक बात कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कॉल या टेक्स्ट नहीं कर सकी, मैं थोड़ा बिजी थी। अच्छा, सो यू वांट टू शो मी दैट वर्थलेस फॉर यू। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना समझती हूँ। बच्चा, अगर ऐसा है तो फिर आपने मेरे प्रपोजल का इनकार क्यों किया? क्या, किस प्रपोजल की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फरक, मैं अपने प्रपोजल की बात कर रहा हूँ जो आलिया भाभी लेकर गई थी मेरी तरफ से आपके लिए। सीरियसली, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मम्मा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आर यू किडिंग, how is it possible कि उन्होंने आपके साथ जिक्र ही ना किया। Believe me कबीर, उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। Okay, अगर आपसे पूछा जाता तो फिर आप क्या जवाब देती? फिर शायद मेरा जवाब हाँ होता। Okay, I got my answer. I think you should talk to your mother. ताकि जब भाभी रिश्ते की बात करें तो वो इनकार ना कर सकें। ओके। मुझे आपकी मर्जी जानकर बहुत खुशी हो रही है। क्या आप ये महसूस कर सकती हैं? शायद। अच्छा, यानी कि मुझे अपनी खुशी दिखाने के लिए आपसे मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मिल कैसे सकती हूँ, ये बहुत मुश्किल है। नीयत साफ होना तो मंजिल आसान हो जाती है, इसे मेरी ख्वाहिश समझ लें।
आज का डिनर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। सबकी क्या जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है। आपका मयार इससे कहीं ज्यादा बुलंद है मेरे दिल में। मेरा बस चलता ना तो शहर के सारे गुलाब लाके यहां सजा देता आपके इस्तकबाल में। फलक, आपके आने से यहां रोशनी हो गई है। कुछ लोग होते ही ऐसे, कब किसी की जिंदगी में उजाला बनकर आते हैं पता ही नहीं चलता। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में आपकी मोहब्बत से उजाला हो जाए हमेशा के लिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? आपसे आपकी जिंदगी मांग रहा हूं। मेरा हाथ थाम सकते हैं?